और चलिए बात करते हैं वॉर जोन की। वॉर जोन से बड़ी खबर, यूक्रेन के बखमुट में रूस ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। रूसी रॉकेट छोटे बच्चों के स्कूल पर जाकर गिरा, बिल्डिंग को इसमें भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ये गनीमत रही कि उस दौरान कोई था नहीं वहां पर, इसलिए जानकारी है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। यूक्रेन के बखमुट इलाके में बिल्डिंग से उठता धुआं रूस के रॉकेट अटैक की वजह से है और ये बिल्डिंग छोटे बच्चों के स्कूल की है। गनीमत यह रही कि जिस समय रॉकेट गिरा उस समय स्कूल में बच्चे नहीं थे, इसलिए किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन का आरोप है कि बखमुट में रूस रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक ग्रेनेड काफी ऊंचाई से रूसी ठिकानों पर गिरता दिखाई दे रहा है। ग्रेनेड को ड्रोन के जरिए लक्ष्य निर्धारित करके फेंका गया। नीचे एक रूसी सैनिक दिखाई देता है जो छिपने की कोशिश करता है, तभी ग्रेनेड उसके बिल्कुल करीब गिरता है। इस घटना में सैनिक जिंदा बचा या नहीं ये पता नहीं चल पाया।